राष्ट्र की विकास यात्रा को प्राकृतिक आपदाएं निश्चित रूप से बाधित करती आ रही है। आपदा प्रबंधन के नाम पर पिछली सरकारों का नजरिया मात्र राहत केंद्रित रहा। हम आए दिन तबाही का मंजर देखते थे। 2014 में सत्ता में आते ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डिजास्टर रेजिलिएंट इंडिया का लक्ष्य रखा और इस दिशा में सभी के साथ समन्वय कर वर्ष 2016 में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना बनाई। डिजास्टर की आशंका को कम करने का सबसे अच्छा तरीका यही है कि हम सिस्टम में सुधार करें, समय रहते उसे ज्यादा सक्षम बनाएं। इस लक्ष्य को विस्तार देते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने जीरो कैजुअलिटी अप्रोच यानी आपदा में एक भी जन हानि ना हो इस विचार के साथ काम शुरू किया। इसके लिए वर्ष 2019 में कई महत्वपूर्ण नीतिगत बदलाव किए गए, जिसे अब अर्ली वार्निंग सिस्टम के माध्यम से आपदा का पूर्वानुमान कर लोगों को पहले ही आगाह कर दिया जाता है। रिस्पॉन्स फोर्स यानी पहले से तैनात नजदीकी NDRF और SDRF तुरंत राहत एवं बचाव कार्य करते हैं। डिजास्टर रिस्क रिडक्शन के माध्यम से नए आपदा जोखिम को रोकना, मौजूदा को कम एवं उचित प्रबंधन आसान हो गया है। समुदाय आधारित आपदा प्रबंधन के माध्यम से लोग अब संसाधन युक्त होकर आपदा से निपटने के लिए तैयार हैं। आपदा राहत फंड के वैज्ञानिक वितरण द्वारा प्रभावित राज्यों को तत्काल राहत पहुंचती है। कुछ साल पहले हमारा दृष्टिकोण आपदा को लेकर राहत केंद्र और रिएक्शनरी था। विगत 9 साल के अंदर अर्ली वार्निंग सिस्टम, प्रिवेंशन, मिटिगेशन और पूर्व तैयारी आधारित आपदा प्रबंधन के नए अध्याय, हम सब ने सामूहिक लगन से इसको जमीन पर उतारा है। इसी बदलाव के तहत 2021 में गठित नेशनल डिजास्टर मिटिगेशन फंड के अंतर्गत NDMF को 13,693 करोड़ रुपए और स्टेट डिजास्टर मिटिगेशन फंड के तहत SDRF को 32,031 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। आपदा प्रबंधन के लिए SDRF तथा NDRF को 2005 से 2014 की तुलना में 2014 से 2023 में मिलने वाली धनराशि में लगभग तिगुनी बढ़ोतरी हुई है। अर्ली वार्निंग सिस्टम के तहत दामिनी जैसे मोबाइल ऐप से बिजली गिरने की पूर्व सूचना दी जाती है। मोबाइल फोन के माध्यम से लोगों को सावधान करने के लिए कैप यानी कॉमन अलर्टिंग प्रोटोकॉल शुरू किया गया है। मौसम आधारित कृषि प्रबंधन के लिए मेघदूत और दैनिक मौसम की जानकारी के लिए मौसम ऐप भी मौजूद है। साथ ही आपातकाल के लिए डायल 112 सेवा उपलब्ध है। गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश पर लोगों को तत्काल राहत प्रदान करने हेतु 250 करोड़ की रिवॉल्विंग फंड के साथ NDRR की भी शुरुआत हुई है। अब राज्य सरकार की मांग से पहले ही केंद्रीय टीम यानी IMCT को आपदा के आकलन के लिए भेज दिया जाता है, जिसे तत्काल राहत मिल जाती है। पिछले 4 वर्षों में 73 IMCT दलों को भेजा गया है। इन बदलावों का ही सुखद परिणाम है कि भारत में चक्रवातों के कारण होने वाले जान माल के नुकसान में लगभग 98% की कमी आई है और लू से संबंधित मृत्यु में भी उल्लेखनीय कमी आई है। मोदी सरकार के विजनरी नेतृत्व में हम सब पिछले कुछ वर्षों में आपदाओं के कुशल प्रबंधन के सुखद परिणाम के साक्षी रहे हैं।